आज बनाएंगे दोस्तों सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी दलिये की रेसिपी। जब आप इसे मेरे तरीके से बना के खाएंगे ना, तो आपको खीर हलवा भी इसके आगे फीका लगेगा। जितनी हेल्दी है उससे कई गुना टेस्टी होती है। बच्चे और बड़े सब खुश हो जाएंगे। और इसको बनाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगती हैं। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें डालेंगे एक चम्मच घी। और ये देखिए, ये मैंने 10-15 बादाम काट लिए हैं। इनको थोड़ा रोस्ट करेंगे, एक मिनट के लिए इनको रोस्ट करेंगे। जो बादाम होते हैं हमारी स्किन के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारी आँखों के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो इनको मैंने थोड़ी देर रोस्ट कर लिया है। साथ में ही इसमें ये 10-15 काजू डाल देंगे। और ये थोड़े 2-3 चम्मच ये मस्क मेलन सीड हैं, खरबूजे के बीज हैं, ये भी इसमें डाल देंगे और इनको थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। ये जो ड्राई फ्रूट हैं, इस तरह रोस्ट करके डालते हैं तो थोड़े क्रिस्पी भी हो जाते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये जो मस्क मेलन सीड हैं, ये जब रोस्ट हो जाते हैं तो चटकने लग जाते हैं, इससे पता लग जाता है कि ये रोस्ट हो चुके हैं। और जो काजू हैं उन पर भी थोड़ी पिंक पिंक शेड आ गई है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। और ये जो कढ़ाई में थोड़ा घी बचा है, इसी में हम एक कटोरी मखाने भी रोस्ट कर लेंगे। ये जो मखाने होते हैं कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होते हैं और जोड़ों के दर्द के लिए, हड्डियों के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। एक हेल्दी इंसान को भी एक मुट्ठी मखाने रोज़ खाने चाहिए। मखानों को रोस्ट होने में 2 से 3 मिनट लग जाती हैं। जब ये रोस्ट हो जाते हैं तो क्रिस्पी हो जाते हैं और हाथ से तोड़ के देखते हैं तो आराम से टूट जाते हैं। तो ये देखिए, इनको भी मैंने रोस्ट कर लिया है। तो एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये हमारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुके हैं। तो अब लेंगे हम ये कुकर, और कुकर में डाल लेंगे 1 से 2 चम्मच घी। और ये देखिए दोस्तों, ये दलिया लिया है, व्हीट ब्रोकन भी बोलते हैं। ये गेहूं के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और बहुत ही हेल्दी ये होता है। तो 1 कप या 1 कटोरी दलिया लेंगे। तो ये 1 कप हम ये दलिया लेंगे। दलिया आपने नाप के ही लेना है, कोई भी इस तरह की कटोरी से नाप सकते हैं, कप से नाप सकते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से बाद में हम इसमें पानी डालेंगे। तो दलिये को हम लगातार चलाते हुए ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब ये हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाता है तो इससे अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाती है और उसका हल्का हल्का कलर चेंज हो जाता है। ये पहले से थोड़ा फूल जाता है, जब इसका हल्का कलर चेंज हो जाएगा, खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तो देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये रोस्ट हो चुका है। और दलिये को आप पहले से रोस्ट करके भी रख सकते हैं। अगर आपने दलिये को पहले से रोस्ट करके रखा है तो फिर तो काम और भी जल्दी हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको अभी रोस्ट किया है और ये हमारा देखिए गोल्डन कलर आ गया है दलिये का। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। 1 कप ये दलिया है तो इसमें 2 कप पानी डालेंगे। और ये देखिए, 2 कप पानी डाल दिया है। तो इसको मिक्स करके इसमें हम 3 सीटी लगवा देंगे। 3 सीटी में दलिया अच्छे से पक जाता है और जब कुकर ठंडा हो जाएगा तब हम इसको खोल लेंगे। अब लेंगे ये कढ़ाई, ये दोबारा से मैंने वही कढ़ाई ले ली है और इसमें डालेंगे 2 कप पानी। ये देखिए, 2 कप पानी डाल दिया है। दलिये में हम 4 गुना पानी डालते हैं। 2 कप हमने कुकर में डाल दिया है और 2 कप ये डाल रहे हैं। और इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। जितना दलिया लेते हैं उतनी ही चीनी डालते हैं। और अगर आप गुड़ लेना चाहें या शक्कर लेना चाहें तो भी आपने तोड़ के, गुड़ को भी तोड़ के इतना ही कर लेना है, सेम क्वांटिटी में लेते हैं। और इसको हम मेल्ट कर लेंगे। इसकी हमने चाशनी नहीं बनानी है, बस सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पानी और चीनी कुकर में ही डाल देते साथ में ही। बिल्कुल डाल सकते थे, लेकिन क्या होता है, किसी किसी के पास जो चीनी और गुड़ होते हैं बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं होते, तिनको वाले होते हैं, और डायरेक्ट वो अगर दलिये में डाल देते हैं तो दलिये में उसके तिनके मिल जाते हैं। और इस तरह अगर आप करते हैं तो जो चीनी है दलिये में बहुत अच्छे से घुल जाएगी, और जो तिनके वगैरह अगर हों चीनी में तो आप इसको छान के यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो चीनी ली है वो बिल्कुल साफ़ है, इसको छानने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है और कुकर भी हमारा अब ठंडा हो चुका है। तो इसको खोल के देख लेते हैं। और ये देखिए, दलिया बहुत अच्छे से पक चुका है। इसको हाथ से इस तरह दबा के चेक करके देख सकते हैं। इस तरह पकाते हैं ना, दलिया कच्चा रहने का कोई ख़तरा नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट पकता है। तो अब इस दलिये को हम इसमें शुगर वाले पानी में मिला देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर इस तरह दलिया बनाते हैं ना तो चीनी हर जगह एक जैसी मिक्स होती है,
ऐसे नहीं होता कहीं ज़्यादा मिक्स होगी कहीं कम, बिल्कुल प्रॉपर मिक्स होती है और बहुत टेस्टी ये दलिया बनता है। ये जो अभी आपको पानी दिखाई दे रहा है ना, ये 2-3 मिनट में ये दलिया सारा अब्जॉर्ब कर लेगा। और ये देखिए, इसको मैंने 2-3 मिनट पकाया है और ये पानी देखिए, अब पानी पहले से काफ़ी कम हो गया है। तो इसमें हम थोड़ा इलायची का फ्लेवर देते हैं, थोड़ा इलायची का पाउडर डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। तो अब ये जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे हैं ये इसमें डाल देंगे। और ये मैंने 20-25 किशमिश भी भिगोई थी तो ये भी साथ में ही डाल देते हैं और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। इस तरह जब आप दलिया बनाओगे ना दोस्तों, ये बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। बच्चे और बड़े सब खुश हो जाएंगे, बड़े तो रोज़ आपसे यही बनवाएंगे, बहुत हेल्दी होता है। और ये देखिए, अब सारा पानी इसने अब्सॉर्ब कर लिया है। ये आप देख रहे हैं ना कितना पतला है, इतना ही रखना है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा गाढ़ा अभी कर दिया तो फिर ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ऐसी ही कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। ये दलिया बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए और ऊपर से थोड़ा घी डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी दलिया बनता है दोस्तों। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो ना तो एक लाइक ज़रूर करना और इस हेल्दी रेसिपी का मज़ा लेना। और अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।